दोस्तों ये अपना कैट का अपना 120K2 अपना ग्रेडर है। ये मॉडल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये अपना 120K2 ग्रेडर है और इसका टेंडम हम आप लोगों को आज खुलवाए हैं। इसका हम टेंडम का आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये अपने ये रियर में इसके दो व्हील होते हैं, ठीक है। और ये देखो, एक यहाँ पे लगता है व्हील और एक यहाँ पे लगता है। इसका मेन जो होता है ये वाला यहाँ से रहता है, ठीक है। ये मेन एक्सल जो ट्रांसमिशन से आता है, जो ये वाले शाफ्ट से आता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें चैन चलाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, देखिए एक दूसरे वाले पे अगले का चैन है, वो जो चैन है इस वाले चक्के का है, ठीक है। और दूसरा वाला जो चैन होता है जो एक स्पकेट पे है, वो इस वाले चक्के का होता है। तो ये एक्सल टेंडम जो होता है ये चैन से चलते हैं। तो इसका चेंजन टेंडम का सारा कुछ आप लोगों को मैं अभी डिसमेंटल करके और इसका फिटिंग दिखाऊंगा, ताकि आपको इजी वे में कहीं पे आप साइड पे काम कर सकते हो। बैठ गया ना सर? सर अब इस बैरिंग को एक्सेल के अंदर प्रॉपर बैठा दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो ऐसा इसलिए देता हूँ कि आप साइड पे इजी वे में काम कर सकते हो, ठीक है ना। कोई एडवांस वीडियो नहीं है। तो देखो ये बैरिंग बैठ गया, ठीक है। अब इसको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये अपना टेंडम हाउसिंग है, से ये ओरिंग को आराम से बैठा दिया जाता है। ये टेंडम के अंदर में अपना टेंडम हाउसिंग डाला जाएगा और उसके बाद में पिस्टन वगैरह सब कुछ लगाएगा, ठीक है। सीधा जाने दिए, सीधा ठीक है, ठीक है ना सर? ठीक है, चिपक गया ना? हाँ तो प्रेस करेगा ना, प्रेस होगा। कपड़ा कपड़ा है क्या? ये जो अपना पिस्टन है, ठीक है, अब एक एक करके असेंबली स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को देखना है पूरा क्या प्रोसीजर होता है।
यहाँ पे दो रिंग लगते हैं, एक अपना यहाँ वो रिंग लगता है, एक इस पे लगता है, ठीक है। ये वो रिंग डल गया, छः बोल्ट टाइट हो गया, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, पिस्टन का बोल्ट है। अब उसके बाद में गियर होजिंग डालेंगे, ये जो देखो, ठीक है, ये डलेगा, इसमें वन बाई वन कर करके प्लेट डालेंगे। ये ब्रेक प्लेट है, ये जो क्रोमिंग वाली प्लेट होती है इसकी स्ट्रेक गियर मिलाते हैं, और जो स्टील वाली होती है उसकी स्ट्रे मिलाते हैं। ये स्टील वाली टोटल पेटल प्लेट 11 होती है, और क्रोमिंग वाली ये वाली प्लेट होती है जो 10 होती है। तो एक एक वन बाई वन करके सारा हम लोग अभी डाल देंगे। 8 10 प्लेट ये है, 11 प्लेट ये है, ठीक है। इसको टोटल वन बाई वन ऐसे ही डालना रहता है, तो आप डाल लेंगे इजी वे में, ठीक है। उसके बाद ऊपर का प्लेट लगाएंगे आप, वन बाई वन करके ऐसे ही डालना है। एक स्टील का प्लेट, एक क्रोमिंग प्लेट, दो प्लेट हमेशा डालता है ऐसे। आपने आप फ्रेश प्लेट प्रेशर प्लेट भी देखेंगे कहीं डाल, देखो ये एक जगह, फिर इसके बाद स्टील वाली डालेंगे। तो ऐसे करके टोटल का टोटल प्लेट डालना रहता है। ये अपना 11 नंबर प्लेट अब डाला, ये लास्ट है, ठीक है, ये डल गया। अब इसके ऊपर प्लेट लगेगी, ठीक है।
अली से लेना आया हो ना क्या? ट्रांसकरिंग सर कितना है? मिश्रा जी कहाँ? मिश्रा जी बोलिए ना, तू तो साफ कर देंगे इस ब्रैकेट को। रिपेयरिंग भी ऊपर वाला बैठा दिया गया। रवि वाला डम्फर लगा था जो ड्राइवर जो फरार है। ये अपना स्पॉकेट लग गया। कई तारीख से फिर कई तारीख से फाइल में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये लॉक लगेगा। जांच में थोड़ी हूँ चुके हैं। कौन ड्राइवर है? सारा कुछ करने के बाद ये मैं आप लोग एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखो ये क्या है, सीम है, ठीक है। सीम जो होता है गैप भरने के लिए होता है, तो इसमें हम लोग सीम भी डाल दिए, ठीक है। अपना आप अपने अनुसार कर सकते हो। और इसके बाद में अब इस पर कहाँ रहते हो उस तरह? क्या लॉक नट लगा देंगे उसमें, जब भी लगाना थ्रेड लॉक लगा के लगाना, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा टाइट कर लेना। इसको पूरा टाइट कर दिया जाएगा। ये टेंडम अपना रेडी हो गया, अब चलते हैं। स्पॉकेट लग गया अब मशीन में, अब आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। नहीं उधर ले जाएंगे, कल सुबह चढ़ाएंगे, अभी नहीं, पूरा टेंडम साफ करना पड़ेगा।